कॉल गर्ल को मिले कम रुपये तो चुरा लिया एसपी का मोबाइल। बिहार में कुछ अधिकारियों को जिस्म की लत बन गई फजीहत का कारण। पहली बार कॉल गर्ल को डीएसपी साहब ने दिए 300 रुपये। कॉल गर्ल को डीएसपी के घर पर 3 बार भेजा गया लेकिन पैसे नहीं मिले तो नाराज होकर लड़की ने बिस्तर पर तकिए के नीचे रखा मोबाइल चुरा लिया। बिहार के मधेपुरा जिला पुलिस से जुड़े एक वायरल वीडियो ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है, जहां कॉल गर्ल सप्लाई करने वाली एक महिला दलाल के पास से मधेपुरा एसपी का मोबाइल बरामद किया गया है। महिला ने बताया कि वो कॉल गर्ल सप्लायर का काम करती है और पुलिस महकमे के साहब ने काम के बाद कम रुपये दिए तो लड़की ने साहब का मोबाइल चुरा लिया। उसने यह भी दावा किया कि बड़े बड़े अफसरों के पास लड़की पहुंचाती है, पदाधिकारी लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते हैं। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों मधेपुरा एसपी राजेश कुमार छुट्टी पर थे। इस दौरान एसपी का प्रभार डीएसपी मुख्यालय को दिया गया था और सरकारी मोबाइल भी उन्हीं के पास था। किसी बात को लेकर सहरसा डीआईजी सिपदीप लांडे ने एसपी के नंबर पर कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ मिला। फोन बंद मिलने से नाराज डीआईजी के आदेश पर डीएसपी हेडक्वार्टर के नंबर को सर्विलांस पर लिया गया तो पता चला कि वे मधेपुरा में नहीं बल्कि सहरसा में है। पुलिस के टेक्निकल सेल ने मधेपुरा एसपी के बंद मोबाइल को ट्रैक किया तो वो एक महिला के पास से बरामद हुआ जो कॉल गर्ल सप्लायर है। महिला को डीआईजी कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की गई तब पूरे रहस्य से पर्दा उठ गया और वही वीडियो वायरल हो गया। इसी बीच जानकारी मिली है कि आरोपी डीएसपी ने चालाकी करते हुए आनन फानन में मधेपुरा एसपी के नंबर का डुप्लीकेट सिम निकाल लिया और अपने मोबाइल में डालकर चालू कर लिया है। महिला का वीडियो सामने आने के बाद डीएसपी छुट्टी पर चले गए हैं। वीडियो में दिख रही महिला ने दावा किया है कि सदर अस्पताल के पास रहने वाले डीएसपी साहब के पास उसने एक कॉल गर्ल को 4 बार भेजा। आवास में डीएसपी मुख्यालय अमरकांत चौबे रहते हैं। डीएसपी साहब ने कहा था कि 1 घंटे के अंदर 300 रुपये दिए जाएंगे और ज़्यादा देर रखने पर 500 रुपये मिलेंगे। पहली बार कॉल गर्ल को डीएसपी साहब ने 300 रुपये दिए। कॉल गर्ल को डीएसपी के घर पर 3 बार भेजा गया लेकिन पैसे नहीं मिले। नाराज होकर लड़की ने बिस्तर पर तकिए के नीचे रखा मोबाइल चुरा लिया। पता चला कि मोबाइल मधेपुरा एसपी का सरकारी फोन था, जिसके बाद पुलिस ने महिला से चोरी किया गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। इधर महिला का बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है लेकिन मधेपुरा पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। डीआईजी भी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कहा गया है कि वीडियो डीआईजी कार्यालय का नहीं है लेकिन यह मामला खुलने के बाद अधिकारियों की जमकर फजीहत हो रही है। कितना साल की? नाम बताओ जो लड़की का। कहीं पर ले गई है? तुम 4 बार। तुमको कितना रुपए मिलता था? 200 रुपया। 4 बार कई बार पैसा मिला, कई बार पैसा नहीं मिला? और कहाँ कहाँ तुम क्या करती हो, मतलब कहाँ कहाँ लेके जाती हो? हम एक दो घर और हम काम करते हैं। कहाँ कहाँ भेजती हो? बस मधेपुरे भी निकाले थे। और कहीं भेजती है? और कहाँ कहाँ जाती है? रमेश भाला जो बोला था उसको नाम कौन किया? हाँ, और कहाँ कहाँ भेजती है? सारा में पूरी भेजती है। मधेपुरा तो गए थे, सहरसा वाला था छोड़ दिए। शर्ट बना दी सिलाई रमेश भगत ने। आरपीएम जो मुटका है मधेपुरा में। हाँ,
रमेश भरत बदल गया है ना। हाँ, सहरसे से भी गई है मधेपुरा। और उनको पसंद है। अरे मधेपुरा में और कहाँ कहाँ जाते हैं? हम कहीं तो हॉस्पिटल, राज है ना हॉस्पिटल का।